हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में गरीबी आने की क्या कारण होता है और क्या निशानियां होती हैं, जिसको पहचानकर आप समझ पाएंगे कि इन कारणों से हमारे घर में गरीबी आ रही है, हमारे पैसों में बरकत नहीं हो रही है। अगर आप हमेशा परेशान रहते हैं, आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है और आप ये सोचते हैं पता नहीं कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारे घर में और हमारे कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, तो चलिए जानते हैं कि ये किन कारणों से होती है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने परिवार की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि उसके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, लेकिन जाने अनजाने में कई बार कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां की वजह से उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम अनदेखी नहीं कर सकते, लेकिन यही अनदेखी नुकसान और परेशानी की वजह बन जाती है। वास्तुशास्त्र में घर में मकड़ी के जाले को अशुभ माना जाता है, इसलिए मकड़ी का जाला घर में ना लगने दें, इससे उलझन और परेशानी बढ़ती है। दोस्तों, टूटे हुए आईने से हमेशा नकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, इसलिए घर में जब भी कोई दर्पण या शीशा टूट जाए तो उसे घर से बाहर कर दें। घर में चमगादड़ का प्रवेश अशुभ माना गया है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में चमगादड़ का आना सूनेपन की निशानी है, घर में कुछ बुरी घटनाएं होने के संकेत होते हैं। घर की दीवारों में दरारें का होना अशुभ माना जाता है, इसलिए जहां दरार हो उसकी मरम्मत करवाएं। दरार का होना धन के लिए अशुभ माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती है जहां पर साफ सफाई होती है। वास्तुशास्त्र में नल से पानी टपकते रहने को अशुभ माना गया है। नल से लगातार पानी टपकने से धन की हानि होती है, इसलिए जब भी नल से पानी टपकता हो तो उसकी मरम्मत जरूर करवाएं। घर की छत पर कबाड़ और बेकार चीज़ों को एकत्र ना होने दें। पूजा घर या घर पर कभी भी में बासी फूल या इकट्ठा होने पर उसे जल्दी से हटा दें। घर में खराब पड़े बिजली के उपकरणों को नहीं रहने दें। घर में कबूतर का घोंसला बनाना वास्तु विज्ञान के अनुसार अशुभ चिन्ह है, माना जाता है इससे घर पर बड़ी मुसीबत आती है। घर के दीवारों के कोने में अगर कोई मधुमक्खी या मकड़ी घर में छत्ता लगाए तो उसे हटा दें, इनका घर में होना अशुभ सूचक होता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।